इस ग्लिम्स से कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज अपने फ्रेंड के एनिवर्सरी पार्टी अटेंड करने वाली हूँ, बट मैंने सोचा कि इस वीडियो को और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसके साथ मैं इंक्लूड कर देती हूँ मेरी अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन, सो आप भी इसे और ज़्यादा थोड़ा सा इन्जॉय करोगे ऐसा मुझे लगता है। तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और मेरी मॉर्निंग रूटीन पर चलते हैं। सो मॉर्निंग में मेरी फर्स्ट गोल यही रहती है कि और ब्रेकफास्ट ख़त्म करने में मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सुबह 1-1.5 घंटा पहले मैं जब उठ जाती हूँ, उसके बाद कभी कभी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ, तो इसी वजह से भूख बहुत लगती है। 2 मिनट या 4 मिनट में ही मेरी ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाती है। अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिस ब्यूटी ड्रिंक। बेसिकली हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो, डार्क स्पॉट्स ना हो, डार्क सर्कल्स ना हो, स्किन में ड्राइनेस ना हो, लेकिन जो भी फेस सीरम क्रीम हम यूज़ करते हैं वो स्किन के सर्फेस के ऊपर काम करता है, इसी वजह से हमें वो इनर ग्लो नहीं मिल पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो जो फूड हम इंटेक करते हैं उनमें विटामिंस होता है, मिनरल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे बॉडी एंड स्किन को बहुत अंदर से इम्पैक्ट करता है। सो व्हाट वी पुट एज अ फूड इन आवर माउथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी पुट एज अ क्रीम इन आवर स्किन। सो इसी वजह से क्या हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सो इसी वजह से हियर आई एम हैविंग कपीवा ग्लो मिक्स। इसे आप कंसीडर कर सकते हो एज अ आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्रिंक। कपीवा की न्यूली लॉन्च्ड ग्लो मिक्स में बहुत सारे ब्यूटी फूड्स हैं लाइक पॉमीग्रेनेट, रोज, मुलेठी, ग्रेप सीड्स, ब्लूबेरीज एंड एक्सेट्रा, जिसमें विटामिन ए, ई, बी, B1, B6, B12 ऐसे बहुत सारे विटामिन्स हैं जो आपके स्किन को ग्लो करता है, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस को कम करता है, यूवी डैमेज को कम करता है, और वो भी किसी भी साइड इफेक्ट्स के बिना, क्योंकि जो केमिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें केमिकल होता है, लेकिन इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल भी नहीं है।
क्या आपको पता है जब आपकी एज 20 हो जाती है उसके बाद से हर साल आपकी स्किन 1% कोलेजन लूज करना स्टार्ट करती है। इसी वजह से 30 तक आपकी जो स्किन है उसमें वो सारे इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो ग्लो मिक्स है आपके स्किन को वो कोलेजन प्रोवाइड करेगा, साथ साथ और जो ब्यूटी फूड्स है वो आपके स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, एक नेचुरल ग्लो ऐड करेगा, आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड भी रखेगा। सो नाउ लेट मी शो यू कि मैं इसे कैसे कंज्यूम करती हूँ। सो बहुत ही सिंपल है, आपको नियर अबाउट 100 ml वाटर लेना है और इसमें मैं कपीवा ग्लो मिक्स की एक पाउच ऐड कर देती हूँ और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको ऐसा फील हो कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि कौन इसे कंज्यूम कर सकता है, सो मेल फीमेल बोथ कैन कंज्यूम इट अगर आपकी एज 20 से ज़्यादा है। सो आप अपने स्किन के खोए हुए ग्लो को वापस लाने के लिए इसे कंज्यूम कर सकते हो और इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं सारे स्किन के रूटीन फॉलो करती हूँ उसके बाद भी क्या मुझे इसे लेना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी, सो मैं आपको बता देती हूँ ये 100% आयुर्वेदिक ड्रिंक है और ये बिल्कुल भी केमिकल प्रोडक्ट्स की तरह नहीं है। सो इसमें कोई भी केमिकल भी नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे ब्यूटी फूड्स की गुडनेस मिल रही है लाइक ब्लूबेरी, मुलेठी, रोज एंड पॉमीग्रेनेट। और ये सारे जो ब्यूटी फूड्स है ये हेल्प करता है आपके स्किन में कोलेजन एंड ग्लूटाथायन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, साथ साथ मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने में, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में, डार्क सर्कल और जो स्टबल स्पॉट्स है उन्हें रिड्यूस करने में। सो इसी वजह से अगर आप अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो उसके साथ साथ आपको ऐसा कुछ लेना चाहिए जो आपकी इनर ग्लो को वापस लाए। और जैसा कि मैंने कहा है, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वी पुट एज अ फूड इन आवर माउथ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी पुट एज अ क्रीम ऑन आवर स्किन। सो मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट के बाद ही इसे लेती हूँ, आपको इसे एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, आप किसी भी मील के बाद इसे ले सकते हो। सो पर्सनली मैं इसे ऑलमोस्ट 30 डे इनटेक कर रही हूँ और 30 डेज इनटेक करने से आपको आपके स्किन में एक विजिबल डिफरेंस दिखता है और मुझे भी वो दिख रहा है ऑलरेडी, क्योंकि पहले से मेरे डार्क सर्कल्स एंड मेरी स्किन में जो पिगमेंटेशन थी वो फेड हो गया है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है ये आपके लिए भी वर्क करेगा। सो इसी वजह से मुझे लगता है आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और आप सबके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी ऐड कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। सो अभी मैं अपनी डेली रूटीन को फॉलो करती हूँ, लाइक वीडियोस बनाना, साथ साथ ऑफिस के और कुछ काम को संभालना एंड कुछ पर्सनल काम भी है, और उसके बाद फाइनली मिलते हैं मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी में। অমিত কেও অসাধারণ লাগছে। হ্যালো আবার ওর বিয়েতেই যাচ্ছি, আচ্ছা দেখা যাবে তো,
वहाँ पे स्ट्रॉबेरी जूस पी रही थी लेकिन शी डिडंट लाइक दिस. अभी वो बोल रहे उसे ब्लैकबेरी जूस चाहिए. ओके पता नहीं क्या होगा. तुम्हें खाबे ना क्या नु ब्लैकबेरी. ठीक है चामी देखती. तो वहाँ पे कम्प्लीटली डीजे पार्टी हो रहा है बट मैं यहाँ पे ट्विटी के साथ हूँ. थोड़ी देर में वहाँ जाऊंगी और शुगो भी उस साइड है.